इन पहाड़ों के पार जो अफगानिस्तान की सरहद गुजरती है, इससे चंद ही किलोमीटर मशरिक की तरफ ये सूबा सरहद के जिला बाजौड़ का कस्बा नावा गए है। यहाँ बहुत साल पहले एक नौजवान फाते आया। बहुत साल पहले से मेरी मुराद है सन 326 कबल मसीह, और महीना था जनवरी का कि जब ये फाते इधर वारिद हुआ। इस नौजवान का नाम था अलेक्जेंडर, या हमारी जबान में सिकंदर। दरमियाने कद और सुनहरे बालों वाला सिकंदर, जो यूनान के सूबा मकदूनिया के बादशाह फिलिप या फैलबूस और उसकी मलका ओलंपिया का बेटा था। सन 334 कबल मसीह में, जबकि इस नौजवान की उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी, तो ये मकदूनिया से निकल खड़ा हुआ दुनिया को फतह करने की खातिर। अपनी इन मुहिमात के दौरान सिकंदर ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, तो वो हम तक पहुंचाने वाले मौरखों में कई नाम हैं। इन सब में आर्यन नामी एक तारीखदान खासा मस्तनद माना जाता है। आर्यन, जो कि खुद भी यूनानी था, सिकंदर के मरने के कोई 350 साल बाद पैदा हुआ, और उस वक्त की रूमी फौज का एक कमांडर था, जिसने अपनी नौकरी का बेशतर हिस्सा वस्ती तुर्की में गुजारा। सिकंदर की कहानी हम तक पहुंचाने के लिए आर्यन ने जिन लिखारियों की तसानीफ इस्तेमाल की, तो वो थे जो कि न सिर्फ सिकंदर की फौज में शामिल थे, बल्कि उसके बहुत करीबी दोस्त अहबाब भी थे। तब तक इन लिखारियों का काम अभी जाया नहीं हुआ था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये काम तो मफकूद हो गया, लेकिन आर्यन के जरिए खुशकिस्मती से इस असल का माखज हम तक पहुंच गया। इसके अलावा आर्यन को उन खतूत तक भी दस्तरस थी कि जो सिकंदर ने अपनी माँ ओलंपिया को और अपने उस्ताद अरस्तू को लिखे थे, और जो कि अभी तक हवादिस जमाना का शिकार नहीं हुए थे। सो इस सफर में सिकंदर के नक्शे कदम पर हमारा राहबर आर्यन ही है। तो सिकंदर चला दुनिया को फतह करने के लिए। अब उस जमाने की दुनिया थी इधर मशरिक की तरफ, क्योंकि यहाँ फनून लतीफा, इल्म और तहजीब का एक नहीं कई गढ़ थे। यूरोप में गो के फनून लतीफा ने तो खासी तरक्की कर ली थी, लेकिन क्योंकि फलसफे और इल्म की कमी थी, तो हर तरफ एक बर्बरियत आम थी। अगर यूरोप में कोई तहजीब याफ्ता होने का दावेदार था, तो वो सिर्फ यूनान के लोग थे। इसके बरक्स इधर मशरिक में फारस, सिंधु और गंगा दरियाओं की धरती और चीन वो मुल्क थे कि जिनके फनून लतीफा, फलसफे और तालीम से यूनान के लोग खूब वाकिफ थे। उस जमाने में यूनान की हमसाया सल्तनत थी मुल्क फारस की अजीम हखामंशी सल्तनत, जिसको हखामंश नामी बादशाह ने सिकंदर से कोई 200 साल पहले कायम किया था। हखामंश के बाद यक्के बाद दीगरे चंद अच्छे बादशाहों की वजह से ये सल्तनत सिकंदर के जमाने तक फारस से फैलकर मगरब में तुर्की, शाम, लिबनान और मशरक और शुमाल की तरफ इराक, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और मौजूदा पाकिस्तान पर मुश्तमिल थी।
सिकंदर के जमाने में हखामंशी सल्तनत का बादशाह था दारा, जो कि हखामंश की औलाद में से तो जरूर था, लेकिन उस खानदान से नहीं जिसके शहजादे रिवायतन तख्त पर बैठते थे। दारा को एक साजिशी वजीर ने असल बादशाह को कत्ल करने के बाद तख्त पर बिठाया, और इस ख्याल से कि बादशाही के असूलों से नावाकिफ दारा शायद उसके हाथों में खेलेगा। लेकिन दारा अपने साजिशी वजीर से एक हाथ आगे निकला और उसने पहली ही फुर्सत में वजीर का काम तमाम करवा दिया। फिर जब यूनानी फौज का सामना हुआ तो दारा एक दफा भी उसके सामने खड़ा होकर नहीं लड़ा। हर मार्के में उसी ने सबसे पहले बुजदिली दिखाई और फिर उसके पीछे उसकी फौज दिलबर्दाश्ता होकर भागी। यहां तक कि इस भागने में उसने अपनी मां, अपनी बीवी और बच्चों तक को सिकंदर के हाथ छोड़ दिया। और फिर यूं भागते हुए वो शुमाली ईरान में एक जगह पहुंच गया जहां उसके एक जर्नैल ने उसको अलबुर्ज पहाड़ों की छांव में एक दिन कत्ल करके किस्सा ही तमाम कर डाला। सिकंदर ने तुर्की में कई मार्के लड़े, वहां से शाम और लिबनान के रास्ते मिस्र पहुंचा, जहां फतुहात के अलावा इसने सिकंदरिया नाम का शहर आबाद किया जो कि आज तक कायम है। फिर वापस पलटा और इराक को फतह करने के बाद फारस या मुल्क ईरान में पहुंचा। और इस तरह सिकंदर फारस को फतह करके अफगानिस्तान से होता हुआ वस्ती एशिया में ताशकंद तक जा पहुंचा। वहां से वापस अफगानिस्तान में फतुहात करता, सिकंदरिया नाम के चंद शहर आबाद करता हुआ यहां नवागई में वारिद हुआ। सिकंदर की तारीख में एक शहर आरीगायोम का जिक्र है। बताया जाता है कि इस शहर के बासियों ने जब सिकंदर की आमद की खबर सुनी तो उन्होंने अपने शहर को आग लगा दी और खुद जा पहाड़ों में छुपे। सिकंदर जब पहुंचा तो शहर तो जलकर खाक था, लेकिन उसने देखा कि शहर का मोहल्ले वकूत दिफा के लिए बेहतरीन है। सो सिकंदर ने अपने एक जर्नैल को हुक्म दिया कि इस मुकाम पर किला तामीर किया जाए और नए सिरे से शहर आबाद हो। साथ ही इसने पहाड़ों में छुपे हुए कबायल को भी पैगाम भिजवाया कि इनमें से जो लोग भी वापस आकर शहर में रहना चाहें तो वो बगैर किसी खौफ के आ जाएं। बहुत से वापस आए और यूं ये शहर एक बार फिर आबाद हो गया। एक और काम जो सिकंदर ने किया वो ये कि यूनानी फौज के वो सूरमा जो कि उम्र की ज्यादती या जख्मों की वजह से अब जंग के काबिल नहीं रहे थे, तो उनको हुक्म दिया कि वो इस शहर में आबाद हो जाएं। सिकंदर की तारीख का आरीगायोम यही नवागई है, और न जाने आज भी कितने लोग यहां पर ऐसे हों कि जिनकी रगों में उन्हीं यूनानी सूरमाओं का खून गर्दिश करता हो। आरीगायोम या नवागई को दोबारा आबाद करके सिकंदर आगे बढ़ा। इसकी पेशकदमी वादी स्वात की तरफ थी, और जो रास्ता उसने लिया वो यही था जिस पर आप आज नवागई से स्वात का सफर करते हैं, यानी नवागई से खार और वहां से दीर के कस्बे मुंडा और तिमरगरा के रास्ते स्वात। रास्ते में पहाड़ों के दामन में उसको मुकामी फौज के एक और दस्ते का सामना हुआ। इस जगह का कोई नाम तो नहीं बताया जाता, ना ही इसके खंडरात का कोई निशान मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जगह नवागई और दीर के गांव मुंडा के दरमियान इन्हीं पहाड़ों के बीच में थी। हमारा रहनुमा आर्यन ये बताता है कि इस मार्के के बाद यूनानियों ने यहां से कोई 40,000 मुकामी फौजी कैद कर लिए, और यह कि उनके हाथ 2,30,000 मवेशी भी आए। लेकिन एक बात तय है कि तारीख में आदाद व शुमार अमूमन बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताए जाते थे कि अपने बादशाह को तो जंगो जदल का बड़ा माहिर और हीरो बताया जाए और दूसरों को जरा कमतर। जब सिकंदर यहां पहुंचा है तो उसकी फौज सिर्फ 50,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, और ऐसा नहीं था कि ये यूनानी को इतने बड़े सूरमा थे कि 50,000 ने 40,000 कैद कर लिए हैं। दूसरी ये भी बात है कि इतनी बड़ी फौजों की जब जंग होती थी तो दो दो तीन तीन दिन चलती थी, और ये जंग एक या आधे ही दिन में खत्म हो गई।
फिर एक बात और है, और वो ये कि उस जमाने में आबादियां इतनी नहीं थी कि हर गांव और हर शहर ही 40,000 आदमियों की फौज की इस्तेआत रखता हो। लिहाजा जब भी आप तारीख में ये आदाद व शुमार सुने तो मान लें कि इसमें थोड़ी बहुत मुबालगा आरई जरूर है। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि सिकंदर को यहाँ से 2,30,000 मवेशी भी हाथ आए। आर्यन लिखता है कि कद काठ और ताकत के लिहाज से इतने मजबूत जानवर थे कि सिकंदर ने उनको अपने मुल्क में भिजवा दिया कि वो वहाँ ना सिर्फ काम करें बल्कि कि उनकी नस्ल भी वहाँ मुतारफ हो जाए। लेकिन अब इतने साल गुजर जाने के बाद ऐसा लगता है कि सिकंदर ने वो सारे के सारे जानवर भिजवा दिए, क्योंकि अब उस नस्ल की चीज हमें यहाँ नहीं मिलती। इस बेनाम जगह से आगे था मुल्क कौम अफा के नौए का। इस कौम के हवाले से जुबान और तारीख के मुहक्किक बताते हैं कि ये इलाका सिकंदर के जमाने में संस्कृत बोलने वालों की जबान में अश्वा का कहलाता था। अब अश्वा संस्कृत में घोड़े को कहते हैं, तो ये हुआ कि ये देश घुड़सवार लोगों का था, जैसा कि ये मोटर गाड़ियों के आम हो जाने से पहले तक रहा। दूसरी बात यह भी है कि संस्कृत का अश्वा का आम लोगों की जुबान में बिगड़कर असका बन गया, और इसी देश असका के रहने वालों को यूनानियों ने अपने तलफ्फुज के मुताबिक असा के नौए बना डाला। एक बात और यह भी है कि संस्कृत का लफ्ज अश्वा फारसी में अस्प हो जाता है, और घुड़सवारों का देश अश्वा का अस्पगान बन जाता है। अस्पगान ही वो लफ्ज है जो आखिरकार आम इस्तेमाल में अफगान हो गया। तो मतलब ये हुआ कि अफा के नौए अफगान या पख्तून लोग हैं और पुराने जमाने से ही घुड़सवारी की वजह से मशहूर हैं। अब इन असा के नौए के देश में पहुंचने के लिए सिकंदर को एक दरिया भी पार करना था, जिसका नाम हमें तारीख में गौरोस बताया जाता है। अगर आप सिकंदर से भी कोई 500-600 साल पीछे चले जाएं, तो यही गौरोस आपको महाभारत किताब के अंदर गौरी दरिया के नाम से मिलता है, और आज ये दरिया पंचकौड़ा कहलाता है, जो कि दीर के पहाड़ों से निकलकर आगे जाकर दरियाए सवात में मिलता है। आर्यन लिखता है कि इस दरिया को पार करना मुश्किल इसलिए था कि ना सिर्फ तो ये गहरा था बल्कि इसका बहाव भी तेज था, और पानी में बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर से गुजरना मुश्किल था। हमें तारीख से यह तो नहीं पता चलता कि यूनानियों की फौज ने दरिया पार आखिर किया कैसे, लेकिन एक बात यकीनी है, और वो ये कि सिकंदर ने दरियाए पंचकौड़ा को यहीं शहर तिमरगरा के आसपास कहीं पार किया था। Thank you.
सिकंदर के जासूसों ने उसको बताया कि दरिया के पार कौम असा के नौए ने 30,000 पैदल फौज बिमा 2,000 घुड़सवार और 30 जंगी हाथियों के मुकाबले की तैयारी कर रखी है, लेकिन जैसे ही यूनानी फौज जंग के लिए आगे बढ़ी ये लोग भाग निकले। आरियान कहता है कि यहाँ की पख्तून फौज के भागने का मकसद ये था कि वो अपने अपने गांवों और शहरों में जाकर इनकी हिफाजत की तैयारी करें। इनके जहनों में जो भी था, आगे जो मारका सिकंदर और इसकी फौज का मुंतजर था वो था मसागा का मारका। अब मसागा इन चंद जगहों में से एक है कि जिसकी खोज माहिरीन आज तक नहीं लगा सके। आरियान के मुताबिक ये एक बड़ा शहर था जिसका किला बेहद मजबूत था। एक और तारीखदान ये भी लिखता है कि इस किले के नीचे दरिया बहता था। कुछ कयास है कि शहर मसागा जिला दीर के गांव सराय के नजदीक दराय काटगला के इलाके में था। सिकंदर के फतह करदा किले के खंडरात तो अब मौजूद नहीं है। ये खंडरात सिकंदर के गुजर जाने के कोई 150 साल बाद की इमारतों थे। यहाँ पख्तून फौज की मदद के लिए कोई 7,000 सूरमा वहां बस्ती बरे सगीर से भी आए हुए थे, यानी पंजाब राजस्थान या मगध का इलाका जो कि आज पटना का हिस्सा है, वहां के भेजी हुई फौज। क्योंकि मसागा के दिफा करने वालों को अपनी ताकत और अपनी सिपागरी पर खूब नाज था, तो उन्होंने यहाँ ये किया कि बाहर निकलकर एक सिकंदर की फौज पर यलगार की। सिकंदर की हिकमत अमली ये रही कि जैसे ही पख्तून फौज यहाँ से निकली तो उसने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। पख्तून इसको यूनानियों की पसपाई समझ कर आगे बढ़े ही थे कि यकलख सिकंदर ने अपनी फौज को पलट कर हमले का हुक्म दिया। बस फिर एक घमसान का रन पड़ा और इसी में पख्तूनों के पैर उखड़ गए, हत्ता कि वो वापस किले में आकर बंद हो गए। इस सारी कार्रवाई के दौरान सिकंदर के कथने में एक तीर भी लगा, लेकिन जख्म चूंकि मामूली था तो जंग जारी रही। दूसरे दिन गो के यूनानी फौज किले की दीवार में शिदाफ डालने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उनकी हर यलगार को पख्तूनों ने पछता कर दिया। तीसरे दिन भी मुहासरा कायम रहा और उस दौरान ये हुआ कि एक लकड़ी का पुल जो कि यूनानी फौज किले में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी वो टूटा और बेशुमार यूनानी फौजी वहीं गिर के ढेर। चौथे दिन भी मुहासरा कायम रहा और इस दिन वो 7,000 सूरमा जो आए हुए थे उनका सरदार जंग में काम आ गया। आरियान कहता है कि अब तक ये फौजी बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन यूनानी मंजनीक से
पत्थर ने उनके सरदार को मारकर इनको इतना दिल बर्दाश्त कर दिया कि इन्होंने सिकंदर को कहा कि भाई हम बगैर सरदार के नहीं लड़ना चाहते और हमें इजाजत दी जाए कि हम किले से निकलकर अपने वतन को वापस रवाना हो जाए। सिकंदर जो कि इनकी हिकमत अमली और दलेरी से खासा मुतासर था, उसने जवाबन इनको पेशकश की कि वो इसकी फौज में शामिल हो जाए। तो यूं वो 7,000 वस्ती बरे सगीर के आए हुए सूरमा जो थे वो मसागा के किले से निकले और नजदीक एक पहाड़ी पर खैमा जन हो गए। लेकिन फिर रात को सिकंदर, जिसको हम अजीम मानते हैं, उसने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की कि जिसकी मिसाल कम मिलती है। रात के अंधेरे में उसने यकलख्त इन 7,000 फौजियों पर हमला करके इन सब को कत्ल करवा डाला। तारीख बताती है कि सिकंदर को उसके जासूसों ने खबर कर दी थी कि ये 7,000 फौजी उसकी फौज में शामिल होकर अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग नहीं करना चाहते, बल्कि उनका मंसूबा ये था कि रात को चुपचाप अपने वतन की तरफ फरार हो जाएंगे। बहरहाल बात जो भी थी, सिकंदर ने खासी दगाबाजी का सबूत लिया। पांचवें दिन के मुहासरे में मसागा का सरदार, जिसका नाम आर्यन हमें मुल्क की नस्बत से आशा कैनस बताता है, वो भी जंग में काम आ गया और यूं मसागा का किला फतह हुआ। आशा कैनस की बेवा और बेटी सिकंदर के हाथ आई और एक तारीख में ये भी है कि ये मलका, जिसका नाम क्लियोफिस था, उसने सिकंदर से शादी कर ली और सिकंदर की यहां से कूच के बाद उसके बेटे की मां बनी। तो ये किस्सा था मसागा का। इससे आगे और जंगें थी और शहर थे। ये शुरुआत थी सिकंदर की उन मुहिमात की कि जिनको उसकी इंडियन कैंपेन या हिंदुस्तानी मुहिमात कहा जाता है। इन मुकम्मल मुहिमात को जानने के लिए हमारे आगे एक बड़ा लंबा सफर है। मेरा सोल